ऑर्डर ऑर्डर देखो, ऑर्डर के बारे में अगर सिंपली एक लाइन में बोले तो अभी तक जैसे पढ़ रहे थे उसको देख के तो साफ साफ लगता है कि यहाँ भी कुछ है ही नहीं, चुपचाप ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज नोन एज ऑर्डर, है ना। तो सीधा सीधा लिखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विच एग्जिबिट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑडियो ऑन रखना, दोपहर के टाइम में अभी घर में सबसे ज्यादा शांति होता है ना। शांति तो है ना, सबको पता है ना कि सबके यहाँ शांति है। जी हाँ तो ऑडियो ऑन रखो, सब लोग ऑन रखो, कोई ऑफ नहीं रखेगा। जब दिक्कत होगा तो हम खुद ही बोल देंगे कि तुम्हारी तरफ से आवाज है, बंद कर लो। डिस्कशन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। दोपहर के टाइम में ना तो घर में कपड़ा भिजा रहा होता है, ना किसी का आवाज हो रहा होता, सब लोग मोस्टली सोए हुए होते हैं, एकदम ये मस्त सन्नाटा होता है, इसलिए बोले कि अभी ऑन रख सकते हैं। सौरभ तेरा नेटवर्क ही खराब है, घर हल्ला करे ना करे तेरा नेटवर्क हल्ला कर रहा। क्या, चलो नेक्स्ट ऑर्डर में नेक्स्ट पॉइंट। साजन को कोई कोड बताओ। सर, तो वो ग्रुप पे लिंक देख लेना, लिंक से तो डायरेक्ट आ जाएगा। हम भी बोल दिए लिंक से आओ। चलो नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई गेस मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए, आप लोग भी कलर तब तक रख ही लिए होंगे। जनरली ऑर्डर एंड अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आया साजन, जनरली ऑर्डर एंड अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जनरली ऑर्डर एंड अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। इस लाइन का मतलब हमको आयशा समझाएगी, जितना लिखा हुआ तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। बताओ ऐसा इसका मतलब क्या? अच्छा, विभूति है कि वो भी है, विभूति और अंजलि दोनों है, सिर्फ एक है है। दोनों? अच्छा, फीफा शाहिस्ता शना तीन गायब है, उधर से इधर से सब है। ठीक है, भी आधे लोग ज्वाइन करने का प्लान ही कर रहे हैं, रोज मैं चाहता सर अगले क्लास। अच्छा खैर, इसका मतलब बता। हाँ ऐसा, सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सारे कार्यक्रम को मतलब एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ऑर्डर और उसके ऊपर का, ऑर्डर और उसके ऊपर का जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ये सिर्फ एक कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं। जैसे मान लो हम लोग क्या हैं, ह्यूमन, तो होमोसैपियंस का एक कैरेक्टर होगा जो है तो होमोसैपियन, नहीं तो नहीं है। लेकिन ऑर्डर या उसके ऊपर का जो भी कैटेगरीज है, वहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं होता, बल्कि एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करते हैं और सब कुछ मिल गया डिजायरेबल, तब जाके वो उस ऑर्डर में आता है। ठीक है, या दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो एग्जाम्पल। कॉनवॉल्व्यूलेशी, देखो नाम आना शुरू हो गया, कॉनवॉल्व्यूलेशी नाम है, क्या है पता नहीं चलता।
कौन बॉल बोलेसी, सोलानेसी, ये दोनों क्या है? फैमिली है बे, याद रखना ई ए ई अगर दिख गया तो ये फैमिली का ट्रिक है। किसी के भी नाम के अंदर ई ए ई मिल गया मतलब तय है कि वो क्या है, फैमिली। गुड, तो ये दोनों को एक ऑर्डर में रखते हैं, उस ऑर्डर का नाम है, जानते हो यहाँ पे सफिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे देखो अभी बताया ई ए ई सफिक्स इसके लिए यूज करते हैं, उसी तरह एल सफिक्स इसके लिए यूज करते हैं। किसके लिए? ऑर्डर। अब इसको ऐसे याद रखेंगे यार, कॉनवल्वुलेसी और सोलानेसी पॉलीमोनियल्स में होता है। तो देखो चला इसको पढ़ो, विभूति पढ़ेगी कि जितना अंडरलाइन किया क्या, पढ़ो जरा इसको, इसको जो अंडरलाइंड है, कॉन कॉमा वॉल, मतलब कॉन वॉल, ये क्या है? सोल। कॉन वॉल और सोल ये किसमें आता है? पॉली में। कॉन वॉल बुलेशी सोलानेसी किसमें आएगा? पॉलीमोनियल्स। नेक्स्ट, अभी कुत्ता और बिल्ली का दुश्मनी सब लोग जानते हैं। फेलिडी किसका फैमिली? कौन बोला रे फिश? फिश कौन बोला? फेलिडी मतलब फिश। अरे अभी तो सिखाए ए ई, देखो ए ई है, क्या है ये? फैमिली। और ये फेलिडी फैमिली किसके लिए? कैट के लिए। और डॉग का फैमिली कैनेडी, केनाइन टिथ से कैनेडी आया है, केनाइन टिथ लोगों का बड़ा होता है कैनेडी। ये किसमें आता है? एक ऑर्डर है उसका नाम है, अफरीदी नहीं यासीन, नाम लिख देने से क्या हो गया है वो यासीन। फेलिडी और कैनेडी, कैनेडी इज फॉर डॉग, कैट और डॉग का फैमिली क्या है, सॉरी ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। कार्निवोरा, तू तो और अभी भी नींद में ही है, खा लिए मतलब लंच कर रहे थे अभी, अच्छा ब्रेकफास्ट हो रहा था अभी, अच्छा कुछ नहीं खाए। सौरभ उसको कम से कम मार खिला, बेचारा भूखे पेट नहीं पड़ पाएगा, एक आध तबड़ाक दे इसको। खैर फेलिडी कैनेडी और कार्निवोरा तीनों का, फेलिडी इज कैट फैमिली, कैनेडी इज डॉग फैमिली, एंड कार्निवोरा इज द ऑर्डर टू विच बोथ फेलिडी एंड कैनेडी बिलोंग्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मिटाऊं? नहीं सर। अब भी लग रहा जगह है। खैर इसका ट्रिक बोलो सर, ये क्या ट्रिक है? एफसीसी, ऐसे तो कोई भी ट्रिक बन सकता है लेकिन ये एफसीसी बहुत कॉमन नेम है। जैसे तुम क्लास 12th में जाओगे ना, वहां तुमको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ना है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड्स होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का पैकिंग होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है सिंपल यूनिट सेल, एक होता है सीसीपी, एक होता है एफसीसी, है ना, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी, एचसीपी, इस तरह से बहुत सारा होता है। तो मजा आएगा, क्या है तुमको 12th में समझ में आएगा, अभी क्यों हड़बड़ा रहा है? खैर सब लोग को केमिस्ट्री का एलएम वाला लेक्चर मिल गया? एक ही असर, बाकी का सन्नाटा क्यों? क्यों है भाई इतना सन्नाटा? ये सर एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, अभी बताए थे तो कहाँ था?
एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब कि एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं इस क्लासिफिकेशन के लिए, ऑर्डर हाँ, ऑर्डर या ऑर्डर के ऊपर जो भी हो, जैसे क्लास, डिवीजन, फैमिली, इन सभी में वो चीज लागू होगा। खैर सबको मिल गया ना केमिस्ट्री वाला एलन का लेक्चर? यार सतलो कहाँ मिला रहे सब्सक्राइबर, तुमको खाली एक को दिखा। हाँ वो भी साजन ही है। कहाँ से मिला जी तुम लोगों को? यासीन और वो क्या नाम है सौरभ? सर हम उसके लिए संपर्क। क्या सर हमको नहीं मिला है? नहीं मिला है तो हम एक लिंक भेजें टेलीग्राम का सर ग्रुप पर। हाँ बिल्कुल ग्रुप पे देखे नहीं थे तो उसको देख लीजिए, ग्रुप का मैसेज देखा करो। और वहां से टेलीग्राम पे बहुत लोग नहीं है, हम तो ढूंढे भी, जैसे तुम तो हो ना फरहान, तुम क्यों नहीं गए? सर हमको डाउनलोड करना था टेलीग्राम आज। ठीक है, उसपे छोटा मोटा लेक्चर नहीं है बाबू, बहुत बहुत बड़ा लेक्चर है, बड़ा इन द सेंस साइज बड़ा नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा। एक एक घंटा का क्या मतलब, ऑलमोस्ट 17 घंटा में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, 17 घंटा भी कहाँ, 1 से 1.5 घंटा पढ़ाया, 8 लेक्चर है तो 8 4 12 12 घंटा बहुत ज्यादा थोड़ा ना है, 12 घंटा में एक चैप्टर क्लास 11th का, उतना तो 10th में पढ़ाते हैं। वो एलन का फैकल्टी है, एलन का ऑल इंडिया हेड फैकल्टी। एलन का खास बात क्या होता है एलन कोटा में, कि वहाँ हर चैप्टर का अलग अलग टीचर होता है, जैसे हम लोग यहाँ बायोलॉजी का अलग टीचर, फिजिक्स का अलग टीचर, वहाँ चैप्टर वाइज स्पेशलिटी होता है। मेरा स्पेशलिटी अगर जेनेटिक्स है तो हम अगर जाएंगे एलन में तो सिर्फ एक चैप्टर दो चैप्टर पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स मॉलिकुलर जेनेटिक्स बस, ऐसा होता है। जैसे बायोटेक से भी कर रहे हैं तो हो सकता है हमको बायोटेक मिल जाए, बायोटेक में भी 2 चैप्टर है क्लास 12th में, तो ऐसे होता है वहाँ स्पेशलिटी बेस्ड। तो हम जो लेक्चर भेजे हैं वो मोल कंसेप्ट का लेक्चर है, ठीक है, पूरा पहला चैप्टर क्लास 11th का भेज चुके हैं, बहुत अच्छा लेक्चर है, देखिए सीखिए। और वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना महंगा लेक्चर है, मेरे पास डेमो के फॉर्म में आया, हम डाल दिए तो मेक यूज ऑफ इट। उसको आपको अगर लेना होगा ना एक्चुअली में एलन से, तो वही वीडियो सेम आपको पढ़ाने के लिए कितना लेगा, कम से कम 3 से 4 लाख, और वो भी 1 टाइम पेमेंट, ये भी नहीं कि साल भर में देते रहेंगे ना, एक बार में पहले जमा कीजिए फिर जाइए क्लास में। इसलिए बहुत बढ़िया लेक्चर है, अच्छा से मिल गया तो मेक यूज ऑफ इट। सब लोग चाहेंगे हम कि पढ़ो। और आकाश वाला कितने लोग पढ़ लिए? आयशा तुम पढ़ी कि नहीं अभी तक? सर वो केमिस्ट्री का जो टेलीग्राम वाला था, टेलीग्राम वाला था वो तो केमिस्ट्री का था। हम ड्राइव पे गूगल ड्राइव पे नहीं भेजे हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर? नहीं मिला। तुम्हारा तुम अपना ईमेल आईडी कभी हमको दी थी? नहीं नहीं, तब तुम तक नहीं पहुंचा। बेसिक मैथ्स तो पूरा देख लेना। हाँ वो हाँ, तो ठीक है हमको ईमेल आईडी भेज देना, आज तुमको हम आकाश का फिजिक्स का एक चैप्टर भेज देंगे। विभूति कहाँ गई? विभूति ऑन कर माइक, तुम देखी हा? आकाश वाला कंप्लीट एक भी लेक्चर हुआ या नहीं ये बताओ ना। नहीं एक लेक्चर कितने देर का था? 22 मिनट भी नहीं देखे। अभी बताओ क्या करने तेरा? ओ रात को नहीं नहीं रात में देखने के लिए आज पक्का देखेंगे, एक लेक्चर तो कंफर्म देखेंगे। सिर्फ एक? कम से कम दो, कम से कम दो एक दिन में। और क्वेश्चन करना शुरू करो, क्वेश्चन तुम लोगों को भेज चुके हैं। पहला चैप्टर क्या? बेसिक मैथ्स वाला वीडियो जो हम भेजे, जो मेरा था उसका क्वेश्चन भी है, उसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म करो बनाते चलो। हम अपना पैकेज भी शायद भेजे ग्रुप में या नहीं भेजे? भेजे हैं या नहीं? नहीं अच्छा नहीं भेजे, सच में नहीं भेजे। प्रणय कहाँ गया, इसको भेजे थे कल, रुको अब भी भेज देते हैं सब। क्या थी सर बेसिक्स? नहीं मेरा पैकेज तो फिजिक्स का हम बनाते हैं। आपका पैकेज सर ये
क्या बोलते हैं, स्क्रीन सर ऐसे ही दिखाई देगा सर, हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा। तो फोन मोड़ ले। फोन मोड़े सर, फिर भी नहीं हो रहा है। स्क्रीन रोटेशन ऑन कर। ऑटो रोटेशन सर ऑन ही है सर, ऑफ कर। तो तेरा फोन खराब है। नहीं खराब है सर। मेरा तो हो गया। तब हम क्या कर सकते हैं बताओ, एक का हो गया। मेरा पे भी होता है, सिर्फ तेरे में नहीं हो रहा। हो जा। तेरे हाथ में फोन है ना, नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबके ग्रुप में चला गया सारा पैकेज। चलिए आगे, नेक्स्ट इज क्लास। हाँ, क्लास के बारे में जितना तारीफ करें उतना कम है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। एक सेकंड, ऑर्डर का हम लोग एग्जांपल क्या क्या लिए थे? रुक। कार्निवोरा। अच्छा हाँ, देखो इसमें एक चीज और आएगा लिखो। इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। इट वॉज, देखो तुम अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑर्डर में पॉलिनोमियल्स में इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर मतलब हाँ, कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन फ्लावर्स। फ्लावर का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर का नंबर ऑफ पीटल, फ्लावर का नंबर ऑफ स्टेमन, फ्लावर का नंबर ऑफ जाइनोइशियम, नंबर ऑफ फिर तुम्हारा और क्या हो गया, थैलेमस, ओव्यूल, ओवरी, इन सब के बेसिस पे जो भी होगा उसको बोलेंगे फ्लोरल कैरेक्टर। तो नॉर्मली हाँ बोलो। ये सब प्लांट के फैमिली का नाम है। ये फेलिडी का मतलब कैट नहीं होता है, कैट के फैमिली का नाम है फेलिडी, डॉग के फैमिली का नाम है कैनिडी। ये कॉनवोल्वुलेसी और सोलानेसी सब तुमको मिलेगा मॉर्फोलॉजी में। ये वो चैप्टर होगा जहां तुमको असल में रोना आएगा, ठीक है? जैसे 9th में था ना एनिमल किंगडम, तो वहां एग्जांपल याद करना था। अच्छा था हाँ, वो तो अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, सही बात है, वो तो अच्छा था क्योंकि वहां कम से कम एक सीक्वेंस था। बट जब प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना तब रोना, हम आज तक रो रहे हैं। रुक जा, वहां भी आएंगे, 2 मिनट रुक जा। चलो ये हो गया ना सबका, ये लिख लिए पॉलिनोमियल्स मेनली किस पे बेस्ड था? फ्लोरा। फ्लोरा नहीं, फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर। ये फ्लोरल कैरेक्टर क्या होता है सर? अबे सीसी के फोटोग्राफर क्या एफसीसी? एफसीसी ट्रिक है, ये ट्रिक है। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर फेलिडी, कैनिडी और कार्निवोरा, ठीक है? और हाँ साजन, ये क्लोरल नहीं है, दिस इज फ्लोरल। आप सर कुछ और बोले सर, फ्लोरल कुछ बोले, क्लोरल फॉर्म, फ्लोरल कैरेक्टर्स बोले। हाँ क्लोरल कर, फ्लोरल कैरेक्टर। हाँ फ्लोरल कैरेक्टर। चलिए अभी आते हैं आगे, नेक्स्ट इज ऑर्डर। और जो भी पढ़े ना हम लोग फैमिली, सॉरी ऑर्डर, इससे समझ लो कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन मुझे पूछना हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आएगा वो इसी में से कोई आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नहीं भूलिएगा। क्लास, अच्छा ऑर्डर पढ़ ली। हाँ क्लास, क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका एग्जांपल ही है सीधा, और तो कुछ नहीं है ना ऑर्डर में, सॉरी क्लास में। मंकी, गोरिल्ला, गिबन मैमेलिया में है कार्निवोरा के साथ। मैनेजर देखो, प्लांट का पहले एग्जांपल ले रहे हैं। प्लांट में सैपिंडल्स क्या है? ये फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, क्या क्लास बताओ जरा, कंफर्म?
अच्छा रुकते हैं, रुको रुको, सेपिंडल्स ये मैंगो का होता है, एंड पॉलीमोनियल्स ये क्या है? ये भी सर ऑर्डर में ही आता है। ऑर्डर है, कैसे पता ऑर्डर है? हम लोग सफिक्स देख रहे हैं, सफिक्स अभी बता, सफिक्स से पकड़ सकते हो आपकी वो क्या है। ऐसे तुमको सेपेंडल्स तो याद भी करना है, अभी जस्ट याद कराएंगे, दो मिनट हो गया। तो सेपेंडल्स और पॉलीनोमियल्स दोनों क्या है? ऑर्डर जो कि प्लेस्ड है फैमिली डाइकॉट में, डाइकोटिलेडोनी, LEDONAE, ये क्या है? अबे क्लास, दो ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास होता है, ठीक है। ये प्लांट का एग्जांपल था, अब एक एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। एनिमल में देखो, प्राइमेट ये क्या है? ऑर्डर है किसका? मैन, मंकी, ये सब का ऑर्डर प्राइमेट्स है। हम लोग भी प्राइमेट्स हैं, वी आर प्राइमेट्स। तो प्राइमेट जिसमें मैन और मंकी आता है, और कार्निवोरा, कार्निवोरा में कौन कौन आ रहा था याद आ रहा है? पेलेडी, कैनेडी दोनों आ रहा था, मतलब डॉग, कैट, कैट या डॉग का और क्या कहते हैं, कैट और, कैट और डॉग का ऑर्डर का नाम कार्निवोरा। हाँ बिल्कुल, वो प्लांट के लिए था बच्चा, ये प्लांट के लिए है, एनिमल वाले का बात कहाँ की, प्लांट के लिए। देखो प्लांट वाले सब में, एनिमल में तो यहाँ भी नहीं है, ट्रिक है, बट उस ट्रिक को अगर हम पूरा ट्रिक पढ़ाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं, तुमको अगर फंसाएगा तो प्लांट वाले में फंसाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं हो सकता। ये प्राइमेट, कार्निवोरा, ये सब क्या है? ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर है जो कि प्लेस्ड है क्लास मैमेलिया में, जिसमें प्लेस्ड है क्लास मैमेलिया में, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत सर क्या है? क्लास में डाइकोटिलेडोनी, ये क्लास डाइकॉट का नाम सुनो ना, मोनोकॉट डाइकॉट, उसी तरह डाइकॉट का, जो डाइकॉट एक क्लास का नाम प्लांट का। हो गया, अबे जल्दी छाप, एक सेकेंड। हो गया तो अच्छी बात है, दो मिनट रुको, अगला हेडिंग डालो, फाइलम। हेडिंग डालना ही जाता है, डाले ऐसे पूछ रहा है ऐसे। चलो नेक्स्ट इज, लिखिए इसमें पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास,
हो गया, आवाज आ रहा मेरा नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। नेक्स्ट, अब इसका एग्जांपल, क्योंकि अब ज्यादा कुछ है नहीं ना। अच्छा एक बात और, क्लास के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसी के लेवल पे एक और होता है, देखो अगर हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे होते तो बोलते हैं फाइलम, और अगर हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, तो और डेफिनेशन बाकी सब सेम ही है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास से फाइलम या डिवीजन बनता है। इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले कोर डाटा, इसमें हम लोग कौन कौन आते हैं देखो, वेरी गुड, पांच क्लास आएगा। पहला बोलो, नाम बोलो, एम्फीबिया से स्टार्ट होगा, बिल्कुल एम्फीबिया, चलो पाइसेस लिख ही देते हैं जब सब लोग वैसे ही लिख रहा था, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। पाइसेस, पाइसेस क्लास है या नहीं है ये बताओ, ये क्लास है या नहीं? तो तुक्का मत मार साजन, तुक्का मत मार। और कोई बोलो, आयशा तो बेचारी बोल रही है, और कोई, यासीन, आंसर बता, यस सर नहीं, पढ़े थे। Pisces is not a class, Pisces super class है। क्या है? Super class। असल में तो फिर class क्या है? याद करो, फिश में हम लोग दो पढ़े थे, जो भी लोग हमसे पढ़ा था तुम में से तो कोई नहीं थे, एक था कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिक्थिस, ये स्पेलिंग गलती हो रहा है, सिंपल सिंपल में लिखें, सिंपल सिंपल में लिखें, तो बोने फिश और कार्टिलेजिनस फिश, याद आ रहा है? पढ़े थे ना, वो है क्लास। हमको लग ही रहा था कि नाम साइंटिफिक वाले लिखेंगे तो लोग कबड़ा रही है, ये दोनों क्या है, क्लास। ये जान तो क्या साफ हो गया, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, दिख रहा। साजन तू अपना फोन पटक या सिर पटक, हाँ जूम आउट करो, या सिर पटक या फोन पटक, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। खैर अब एक उसी तरह, ये किसके लिए एग्जांपल था, एनिमल में, प्लांट के साथ हम लोग नाइन साफी तो कर नहीं सकते, तो प्लांट एग्जांपल भी ले लेते, देखो मोनोकॉट और डाइकॉट, अभी पढ़े थे, डाइकॉट क्या है, क्लास, ये दोनों ही क्लास, एक डिवीजन में आता है, इसका नाम है एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब बात करें किंगडम का, नहीं यहाँ तो मजाक ही होगा, कितना किंगडम है अभी वैसे, इसको हटाएं, बोलो मिटाएं नहीं मिटाएं, बोलो बोलो जल्दी, मिटाएं नहीं मिटाएं, ठीक है लिखो लिखो, कुछ बोलना चाह रहे हो यासीन, कुछ बोलना चाह रहे हो, नहीं, ठीक। अब जो तुम ईयरफोन लगाए हुए ना फोन में, उसको हिलाओ नहीं, उसके हिलाने से ना बहुत आवाज होता है,
ईयरफोन को शांति से छोड़ दो। वैसे आज टाइम नहीं बीत रहा, देखो ना आज लंबा पढ़ना तो टाइम बीत नहीं रहा, अभी तक सिर्फ 30 मिनट हम लोग पढ़े हैं। फरहाना झेल लेगा ना, तुम्हारा ही टेंशन है। कौन भागा, भागा कौन है तुम? आयशा अच्छा आ जाएगी। कोई नमाज का टाइम तो अभी नहीं है ना, कॉल आता है। हाँ तो कॉल रिसीव नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं कर सकते, यहाँ फंस जाओगे। हाँ बाहर ही हो जाओगे बिल्कुल, नहीं रिज्वाइन कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, और रिज्वाइन करने के लिए मेरा परमिशन नहीं चाहिए होगा। खैर ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक आगे बढ़े किंगडम में आए। चलिए नेक्स्ट इज किंगडम। आज का क्लास सबसे इंटरैक्टिव हो रहा है, नहीं बोर नहीं होने देंगे, टेंशन नहीं लो। बोर हो गए तो फिर मीटिंग का बात करेंगे, सब लोग खुश हो जाता है मीटिंग का नाम सुनते ही। हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सौरभ तुमको पता है कि नहीं मीटिंग का हमारा, सौरभ ये भी है तुमको मीटिंग का पता है कि नहीं? नहीं साजन तुम उसको कुछ भी नहीं बताते, जीके इसका भी थोड़ा जीके दिया करो यार। क्या सर सीधा एक्सपीरियंस करेगा? सीधा एक्सपीरियंस करेगा? नहीं नहीं फिर झटका लगेगा, थोड़ा बता दो, बताओ तुम ही बताओ जरा उसको जीके का क्या करना है। आयशा को भी नहीं पता है ना, ऐसा मीटिंग का पता तुमको? अकेले क्लास है, अरे ये तो छोटा सा मीटिंग, इतना छोटा मीटिंग कौन करता है? कहाँ गए विभूति? विभूति एक्सप्लेन। विभूति वो मीटिंग अलग लेवल का होता है, अल्ट्रा प्रो लेजेंड लेवल। नहीं कोई अभी तक सच्चाई नहीं बताया, मतलब सब लोग चाहते हो कि लोग पिटाए जो लोग को मीटिंग का नहीं पता है। स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन भी रहेगा। फर्स्ट एड भी रहेगा, फास्ट फैसिलिटी, इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट है ना, प्राइम ट्रीटमेंट एकदम। जो भी आपको, जो भी लोग बातों से नाखुश होंगे वो लोग उस मीटिंग रूम में जा सकते हैं। जैसे शिवाजी द बॉस में मीटिंग हुआ था ना, जिन लोगों को भी अपने काला धंधे के बारे में नहीं बताना है आप लोग प्लीज एक मीटिंग में आइए, वहां डील करते हैं। वैसा ही मीटिंग होगा। नंबर क्यों कम आया टेस्ट के बाद, उस मीटिंग में हम लोग सभी लोग जाएंगे, अंदर में आदमी इंतजार कर रहा होगा। हाँ शायद म्यूट कर ले याशी, म्यूट कर ले, बहुत आवाज आ रहा है नेटवर्क की वजह से, समझे? तो मस्त मीटिंग होगा। हाँ उसको नाम पसंद नहीं आया अपना, बदल लिया, तुम भी बदल लो, बिग फैन। ठीक है खैर, तो उस मीटिंग के बारे में बता रहे थे, एक छोटा सा बड़ा सा हॉल रहेगा, बिल्कुल शिवाजी द बॉस टाइप का, वहां पे अंदर में मीटिंग अटेंडेंट्स मेरे असिस्टेंट्स रहेंगे, आप लोग वहां जाएंगे, नंबर नहीं आया तो उसका जेन्युइन रीजन बताएंगे, उसके बाद मीटिंग हॉल में आपका इलाज किया जाएगा, और मीटिंग जहां होगा उसके ठीक सामने एक हॉस्पिटल है, तो आपको कुछ नहीं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा कर देना, लास्ट का एक लाख मेरा जाएगा, सीधा हॉस्पिटल में लैंड कीजिएगा, तो फ्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल, पहले टूटोगे और फिर फेविकॉल से वहां पर जोड़ा जाएगा,
ठीक है, एक एक पार्ट फेविकॉल से टाइम लगेगा, फेविक्विक से जोड़ते हैं, एक एक पार्ट जोड़ेंगे। क्यों? हाँ उसमें दो दो कुत्ते भी और दोनों रॉटवीलर। सौरभ कैसा लगा मीटिंग का स्ट्रेटजी? सर हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं। उसको साजन ही समझा सकता, साजन समझा भाई। अभी नहीं समझा, इसलिए तो बोले सर अभी तेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। सही में बाद में समझ लेंगे। बाद में समझेगा, तब तक भी बहुत लेट हो जाएगा। मत समझो तो अच्छा है। फेस टू फेस नहीं समझा हम लोग, क्लास में ना फीलिंग के साथ समझे थे, है ना? एकदम स्पॉट भी दिखा था कि अच्छा हाँ यही मीटिंग होना है। चलो किंगडम में हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी, अभी टोटल जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो आर एच विटेकर दिए थे। कौन? आर एच विटेकर। कितना किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कोई के किंगडम का हमको नाम बता सकता है, गलती से भी याद हो तो? एनिमल प्लांट एंड लाइफ प्रैक्टिस कनाडा। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस ज्यादा फूल मत जाना, ठीक? एनिमल प्लांट फंजाई प्रोटेस्टा और मोनेरा। देखो साइंटिस्ट में आर एच विटेकर बाबा तो फाइव किंगडम दे लिए, लेकिन इनके कट्टर दुश्मन थे, इनका नाम था क्या नाम था तो बोल। हाँ कार्ल ऊज़। कार्ल ऊज़ क्या किया, ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिए, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। थत्थर किस्म के प्राणी थे। किया क्या पता है, ये मोनेरा को सिर्फ दो ग्रुप में बांट दिए। याद करो वो दिन जब आप पढ़े थे कि मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होता है, याद आया? नो सर नहीं याद आया। अरे वंस अपॉन अ टाइम इन क्लास नाइन्थ यू हैव स्टडीड मोनेरा में आर्की बैक। अच्छा क्लास नाइन पढ़े नहीं थे। हाँ क्या क्या क्या? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 तो आर्की बैक्टीरिया क्या और यू बैक्टीरिया किंगडम बन गया। सुनो तो ये था, ये फाइव किंगडम के अंदर ही बता दी थी विटेकर बाबा, ठीक है? बट ये जो कार्ल ऊज़ थे हथर किस्म के प्राणी, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो अभी जो दिखा रहा हूँ इस चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा, बट इसके नेक्स्ट चैप्टर में पहला पेज में इंट्रोडक्शन में ये सब पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ 16S नाम है, जैसे याद है आप लोग पढ़े होंगे राइबोसोम का टाइप 70S 80S याद आ रहा है? हाँ वही है 16S, ये S वाला वो S है, और RRNA राइबोसोमल RNA on the basis of 16S RRNA sequence, इसके बेसिस पे वो डिवाइड किए और वो सिक्स किंगडम दिए। कौन कौन? एनिमिलिया प्लांटी फंजाई प्रोटिस्टा और मोनेरा को दो ग्रुप में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया के बदले लिख दिए आर्की और यू बैक्टीरिया के बदले लिख दिए यू कारिया। अभी बताओ काम किसी और का, नाम कोई और लेके भाग गया, इसलिए बोले कट्टर दुश्मन थे कार्ल ऊज़, ठीक है? छापे नहीं छापे तो बिना बात का ये। अरे बात नहीं, ये इनका जो डिवीजन का क्राइटेरिया था ना, ये इनका डिवीजन का क्राइटेरिया था कि ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है, ये एडवांस टाइप का बैक्टीरिया है। लेकिन इनके डिवीजन के क्राइटेरिया में चीज वही था, बट वो एक और क्राइटेरिया नया बना दिए। क्या? 16S RRNA सीक्वेंस। और चूंकि RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए इनके बात को वैल्यू दिया गया। बुझाया नहीं बुझाया? yes. सबका बुझ गया? yes. बत्ती जला के रखना था, बुझाना नहीं था। मेंटॉस खाओ मेंटॉस, दिमाग की बत्ती जलाएंगे।
16s RNA जेनेटिक्स नहीं है, RNA सिर्फ जेनेटिक है, 16s उसका टाइप का नाम है, ये 12th में पढ़ोगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। हाँ तो इन सब को ही तो बांटे, तभी तो छह दिए। नहीं और नहीं बांट, इस बेसिस पे सिर्फ छह ही आए। ठीक है, दिक्कत है बोलो, कोई कष्ट परेशानी? नो सर। नहीं चलिए हटाएं इसको। यस सर। आर्की बैक्टीरिया के बदले आर्की आ गया, हटाएं। फाइनली हटाने का बोल दिया, हटा दो यार, मौका नहीं छोड़। ये अभी याद करो, दो दिन पहले का बात, जब हम लोग पढ़े थे कि जब हम किसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में नीचे से ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ता है या घटता है? सर बढ़ता है। कौन बोला? रुक रुक, पहले बोला कौन था बढ़ता है? हम बोले थे। तो मतलब तेरे को अभी मीटिंग करने का जल्दी है? नीचे से ऊपर मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ। सोचो ना, स्पीशीज में हम और तुम कितने कॉमन है, बट किंगडम एनिमिलिया में हम भी आते हैं और डॉग भी आता है। हम लोग में कुछ सिमिलैरिटी है ना? बहुत कम हो गया। अच्छा, हम भी आते हैं और हाइड्रा भी आता है, हाइड्रा भी आता है। अभी बताओ, हाइड्रा प्लांट है कि एनिमल? धीरे से एनिमल बोला, धीरे से एनिमल। कौन बोला अभी? एक तो फरहान तो जोर से बोला, धीरे से कौन बोला? कोई धीरे से भी बोला था एनिमल? कोई नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तब उसका क्रेडिट गया, सिर्फ फरहान का सही जवाब एनिमल है। अच्छा तुम बोली थी, तब से क्या नहीं बोल रही थी, सोची गलती हो जाएगा। माइक को या तो माइक हटा दो, मतलब ईयरफोन, या फिर उसको थोड़ा नजदीक लाओ। बहुत बढ़िया साउंड कैंसिल, इसने तुम्हारा ही आवाज कैंसिल कर दे रहा है। अभी ठीक है। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि हम भी एनिमल है, हाइड्रा भी एनिमल है, बट दोनों में सिमिलरिटीज कितने कम है। तो ये लिखे थे या नहीं लास्ट क्लास में? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। समझे नहीं समझे? समझ गए? चलो गुड। चलिए इसको अभी दो मिनट के लिए रोक रहा हूँ, या रोकू कि उसके लिए यहीं से काम कर लेते हैं ना। न्यू शेयर। यस, सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ये देखो, दिखा नहीं देखा? Black. किसी को नहीं दिख रहा है? Black. नहीं दिख रहा। नहीं। अभी भी नहीं? नहीं। हाँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं। अभी तक तो नहीं दिख रहा होगा, हमको भी पता है। अभी योर अपम्यूट विंडो व्हाट्सएप शेयर, अभी दिखा सर आपका स्क्रीन? हाँ मेरा दिख गया। हाँ दिखा। हाँ दिखा, तो ये देखो, ये वाला आपको सब दिख रहा होगा, कॉमन नेम मैन हाउस फ्लाई मैंगो वी, दिखा? यस सर दिखा। हाँ वही वाला। मैन का बायोलॉजिकल नेम देखो, होमो सैपियन।
इसमें होमो क्या है? जीनस। चलो देखो, जीनस लिख दिया, आ गया होमो, जीनस मिला। yes, स्क्रीन पे तुमको वो मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ सर दिख रहा, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो फिर होमो दिखा। अभी देखो ह्यूमन का फैमिली, हमारा फैमिली क्या है? होमोनिडी। देखो ए ई दिखा लास्ट में, ए ई ए ई ए ई ए ई दिखा। हाँ दिखा, मतलब ए ई दिखते क्या बोलेंगे, क्या है वो? फैमिली। देखो हम ये सब ट्रिक क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो नीट में करना है वो है एमसीक्यू। हमको सिर्फ एमसीक्यू करना है, तो एमसीक्यू में हम अगर ऑप्शन छांट भी सके, मान लो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर, और तीन तो हमें ए ही दिख गया, तो कुछ सोचेंगे? सोचना ही नहीं है, आंख बंद करो, सीधा मार दो आंसर, बात खत्म। तो होमोनिडी, अच्छा हमारा ऑर्डर प्राइमेट, हमारा क्लास मैमेलिया, हमारा फाइलम कोडाटा, हमारा किंगडम भी किसी को पूछना है? हमारा किंगडम किसी को पूछना है? नहीं पूछते तो पक्का मीटिंग रूम में ले चलते हैं। खैर ये जीनस तो सबको पता है, और ये फाइलम भी सबको पता है, फाइलम पता है ना, कोडा हम लोग कोडेट्स हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट का तो वो सब आर्थ्रोपोडा में आता है, अगर हम बात करें प्लांट में, अगर मैंगो का या वीट का था दोनों ही एंजियोस्पर्म में। देखो तुमसे ये चारों को पूछेगा, अगर उसके अलावा और कोई नहीं पूछेगा, इन चारों का जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास कुछ भी पूछ सकता है, कुछ सिर्फ यही चार, बाकी सबका साइंटिफिक नेम पूछ दिया तो पूछ दिया, बट उसका भी चांसेस बहुत कम है। जो जो एग्जाम्पल हम लिखवाए हैं सर वही पूछने का चांसेस है, और ये चारों का डिटेल्ड पूछ देगा। मान लो ये पूरा चार्ट बना देगा, बीच बीच में जैसे मान लो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, यहाँ ब्लैंक्स कर दिया, यहाँ ब्लैंक्स कर दिया, नाम रख दिया ए बी सी और ऑप्शन दिया है, ए का आंसर ये होगा, बी का आंसर ये होगा, सी का ये, डी का ये, ऐसे करके करता है। तो इसलिए तुमको पूरा याद होना चाहिए। तो देखो मैन के लिए ट्रिक है एम पी एच, एम इज मैमेलिया, पी इज प्राइमेट एंड एच इज होमोनिडी। अगर तुमको एम पी एच याद है मैन के लिए, तो तुम इधर से सोचो, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट और फैमिली होमोनिडी। अच्छा ध्यान से देखो ना, तो जीनस तो याद हो ही जाएगा, साइंटिफिक नेम याद होते हैं, आई गेस ये याद हो गया होगा, साइंटिफिक नेम हम पहले लिखवा चुके हैं। हाउसफ्लाई का क्या होता है? मस्का डोमेस्टिकाटा, मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम एसीटिवम, ये तो हम बता ही चुके थे, तो जीनस तो याद हो ही गया। अच्छा इधर आते हैं, फाइलम और डिविजन याद होगा नहीं होगा? आराम से हमारा कोडेट हाउसफ्लाई का, चूंकि वो इंसेक्ट है इसलिए आर्थ्रोपोडा, और बाकी दोनों एंजियोस्पर्म, याद रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास, हमारा क्लास मैमल है, चूंकि हाउसफ्लाई एक इंसेक्ट है उसका क्लास क्या है? इंसेक्टा। अब देखो आम और वीट में सोचो, मैंगो डाइकॉट है या मोनोकॉट है? डाइकॉट है। वीट क्या है? मोनोकॉट। तो क्लास भी याद करने का जरूरत है क्या? नहीं, नहीं। अब बचा ऑर्डर, ऑर्डर में देखो ह्यूमन का याद हो जाता आराम से प्राइमेट, इंसेक्ट का भी, हाउसफ्लाई का भी, डिप्टेरा याद हो जाएगा, इंसेक्ट का भी डिप्टेरा याद हो जाएगा। उसके बाद मैंगो और वीट का अगर हम बात करें तो सेपेंडल्स और पोल्स, ये कंफ्यूज करता है, सेपेंडल्स और पोल्स कंफ्यूज करता है। तो इसको याद करने का तरीका है एस पी, दिखा एस पी मिला, एस मिला, पी मिला, मतलब मैंगो और वीट मिलाकर एस पी है, एमडब्ल्यूएसपी। एमएसपी सुने हो ना? एमएसपी क्या होता है? एमएसपी बड़ा इकोनॉमिक्स पढ़े हो? हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गुड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एमएसपी। तो मैंगो के साथ एस है और फिर पी है, ये याद रखने के लिए एमएसपी याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात करें इसका, देखो ये ज्यादा सोचने वाला बात ही नहीं है, रुको इसका एक और ट्रिक दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, वाह क्या बात है। मैंगो का एनाकार्डियेसी, उसके बाद सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, देखो ए के बाद आता है एच, उसके बाद आता है एम और उसके बाद आता है पी,
सही सबसे पहले, क्योंकि ए ही तो तुमको याद रहेगा, फैमिली है ऑप्शन जो भी रहे, ए ही दिखा मतलब कि वो फैमिली हो सकता है। अब मैंगो का कौन है, तो मैंगो का ए याद रखना, मैंगो का ए, ठीक है, मैंगो का ए। उसके बाद देखो मैंगो के बाद मैन पे आ, सबसे पहला मैन पढ़े थे, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच होमोनिडी, उसके बाद पढ़े मैन के बाद हाउस फ्लाई, है ना, तो जी एच आई जे के एल एम, और लास्ट में पढ़े डब्लू, तो उसका पी रहेगा यार, नहीं रहेगा तो अपना बना ले, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अपना बना ले, हमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, मैन हाउस फ्लाई मैंगो वीट, मैन हाउस फ्लाई मैंगो वीट, सिर्फ फैमिली और ऑर्डर में ये दो का टेंशन है ना, बाकी सब तो हो ही गया, बाकी सबका तो हो गया ना, दो तीन बार पढ़ेगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक। कोई कष्ट परेशानी? हाँ है कष्ट? नहीं हाँ, चलो उम्मीद करते हैं आपको कोई स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, नहीं हम दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक। अभी आते हैं वापस से अपने व्हाइट बोर्ड पे, तीन तीन छह एक सात एक आठ, अभी ठीक है, दिखे व्हाइट बोर्ड, दिखा या नहीं दिखा? Yes, दिखा। चलिए आई गेस कि अब आपका इस चैप्टर में अंतिम सांस शुरू हो चुका है, तीन बजे तक पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म ही कर लेंगे, हटाएं, डालिए हेडिंग। अब अगला, रुक जा भी कर देते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, नहीं लिखे थे ये, छापो छापो जल्दी छापो। अभी तक हम लोग कायदे से सिर्फ 53 मिनट्स पढ़े हैं, कायदे से क्या, जब से रिकॉर्ड जूम स्टार्ट किए तब से 53 मिनट। वैसे मजा आ गया बाबू, आज एक ब्लंडर भी हुआ है, पता है क्या, क्लास पूरा पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, बीच में एक जगह पॉज किए थे वहां पे छूटा भी, अभी ध्यान में आया कि अरे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, बोलो कम से कम एक घंटा, जो लोग का छूटा है आज पढ़ाए भी उतना ही सही है, कंटेन इन्फॉर्मेशन। एक काम करना, नोट्स कम से कम भेज देना ग्रुप में, कोई जो शब्द तुम लोग तो लिख रहे हो ग्रुप में, नोट्स डाल देना, कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हो तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ, मोनो से पता भी चल रहा है एक। नेक्स्ट इज कैटलॉग, लास्ट लाइन, नहीं अब तो लिखना, दिस इंक्लूड्स द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज, ऑफ स्पीसीज, ध्यान ये रखना है ना, किसमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है कैटलॉग में, ठीक है, अल्फाबेटिक कैटलॉग, सी ए टी ए एल ओ जी ओ यू एस, सी ए टी ए एल ओ जी ओ नहीं होगा, सिर्फ यू होगा, यू ई एस कैटलॉग, हो गया। चलिए दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले वी विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन सैटरडे फ्रॉम 12 PM शार्प, याद रखिएगा आपके फोन का ऐप लेगा एग्जाम, हम तो सिर्फ क्वेश्चन अपलोड करेंगे, वाइज पे ही एग्जाम होगा, हाँ वाइज पे ही होगा,
खास बात यह है कि एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक टेस्ट सेव हो जाएगा, आपको सेव नहीं कीजिएगा तो, या ये भी हो सकता है कि फिर सेव हो ही नहीं और टाइम के बाद फिर रिजल्ट नहीं बनेगा, और रिजल्ट नहीं बनेगा तो मीटिंग कंफर्म है, इसलिए टाइम का खास ख्याल रखिएगा। हम एक डेमो टेस्ट आज ही डाल दे रहे हैं, एक डेमो टेस्ट के फॉर्म में, ये डेमो टेस्ट है, उसके मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ठीक है, और उसको शेड्यूल कर रहे हैं हम कल के लिए ठीक है, कल के लिए शेड्यूल कर रहे हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है तो 12:30 मिनट का टेस्ट रहेगा, 15 मिनट ज्यादा हो जाएगा, सैटरडे को एक्चुअल टेस्ट। तो 12 मिनट या 13 मिनट, चलो आधा 30 सेकंड एक्स्ट्रा में दे ही देते हैं, हम अभी शेड्यूल कर दे रहे हैं आज या कल के लिए, वो डेमो टेस्ट होगा, वो डेमो टेस्ट होगा, एक्चुअल टेस्ट सैटरडे मतलब परसों 12 बजे से, जितना क्वेश्चन होगा ठीक उसका हाफ टाइम होगा, 1 बजे से क्लास होगा बीच में, या 1 बजे से नहीं, बीच में हम कुछ देर का गैप दे लेंगे, कम से कम आधा घंटा का, खाना खा के क्लास करना, वैसे अगला क्लास 1.5 घंटे से अधिक का नहीं लेंगे ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही हो गया था, ऐसे सोचे कि ना अब तो खत्म करेंगे, 2 घंटा 13 मिनट 35 सेकंड का टोटल क्लास हुआ है, एंड नाउ द क्लास एंड्स।